नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ ये नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंतिम पायदान में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने वाले जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। भारत जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 107वीं जयंती पर भाजपा गया महानगर दक्षिणी मंडल के बूथ संख्या पर जयंती मनाई। सर्वप्रथम उनके चित्र पर माला पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और इस अवसर पर उपस्थित नेताओं के द्वारा अंतिम पायदान में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने वाले जनसंघ के संस्थापक सदस्य से लेकर अध्यक्ष तक पार्टी को मजबूत करने में उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। आज उन्हीं के जनसंघ का दूसरा रूप भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तर पर राजनीतिक दल से है। वैसे महान चिंतक को आज उनके जन्मदिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज के कार्यक्रम में भाजपा नेता मनीष मिश्रा, कला देवी, राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता संतोष ठाकुर, दीपक पांड्या, अशोक प्रसाद भारती, राणा रणजीत सिंह, धीरज रोनियार, राम प्रवीर सिंह, संजय सिंह, कुंदन सिंह, बबलू कुमार, पम्मी सिंह, इंदु प्रजापति, मोना शर्मा, खुशबू कुमारी, निशा नंदन, सुनीता गोस्वामी, गीता कुमारी, सुनैना देवी, रेणुका देवी, रेणु रानी, कारू सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम लोग 107वां जयंती मना रहे हैं। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और शिक्षक के रूप में बहुत ही अनुभवित हैं। आज हम लोग उनके जीवन के समाज सेवा, राष्ट्र सेवा समर्पित किया गया है। वंदे मातरम्। वंदे मातरम्। भारत माता की जय। युवा के अध्यक्ष विष्णु कुमार सिन्हा जी, जिला युवा के अध्यक्ष। प्राय समाज राजनीति में भी जितनी आबादी उतनी भागीदारी भी मिलनी चाहिए। गया शहर के विसार तालाब स्थित एक निजी होटल में रविवार की देर शाम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई के द्वारा मिलन यह अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अभाकम के जिला अध्यक्ष सह पूर्व डिप्टी मेयर अखोरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने किया, जबकि मन संचालन युवा महानगर अध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा एवं राजेश सिन्हा ने किया। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अभाकम के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनीष आनंद एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष रोहित कुमार उपस्थित हुए। उस दौरान सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के आयोजन से हम सभी चिंतरास एकजुटता के साथ भाईचारा बढ़ता है। आज इस मिलन और अभिनंदन समारोह में संगठनात्मक मजबूती पर भी बल दिया गया है। संगठन और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कई पदाधिकारी को महत्वपूर्ण पद देकर जिम्मा सौंपा गया ताकि हमारे संगठन और समाज और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी जितनी आबादी उतनी भागीदारी भी मिलनी चाहिए, इसलिए समाज और संगठन को मजबूत आपसी भाईचारा से मिल सकता है। एकजुटता ही हमारी पहचान है, इसलिए इसे बरकरार रखें। इस मौके पर प्रोफेसर रंजीत वर्मा, जिला महामंत्री विपिन सिन्हा, कोषाध्यक्ष मुकेश वर्मा, जिला युवा अध्यक्ष विष्णु कुमार सिन्हा, युवा महामंत्री अमित कुमार सिन्हा, राजीव कुमार, विकास रंजन, डॉक्टर मनोज कुमार, उपाध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिन्हा, जिला महानगर अध्यक्ष गौरव सिन्हा, सुनील कुमार सिन्हा, राजेश सहाय, नवीन बिहारी उर्फ झुन्नू जी, महिला जिला अध्यक्ष रीता रानी, मीना सिन्हा, सुनीता सिन्हा, विपिन सिन्हा, विशाल कुमार सिन्हा, आनंद प्रकाश, पिंटू सिन्हा, विशाल रंजन दफ्तुआर, अभिषेक बोलू, विभूति विचरण आदि मौजूद थे। आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।